अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद कंबर रजा फ्रॉम तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, द ट्यूटर ऑफ टीएक्स एंड एटीएक्स। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग वेल। एग्जाम्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज ऑफ फेब, 4 डेज ऑफ मार्च, अप्रॉक्सीमेटली 9-10 डेज में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबानीज में हमेशा टीएक्स में ग्लोबल पोजिशंस, नेशन वाइड पोजिशंस आती रहती हैं, और नॉर्मली स्टूडेंट्स, कुलीग्स, बच्चों के पेरेंट्स मुझसे एट टाइम्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस तरह क्या पढ़ाते हैं कि आपके स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा पोजीशंस आती हैं। सो एक ओवरऑल एक जर्नी है ऑफ 2 मंथ 3 मंथ जिसमें हम स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि स्टूडेंट्स ने लास्ट 1 वीक 2 वीक्स में किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, दैट बेसिकली मेक्स योर थिंग्स द ब्लैक एंड व्हाइट। और अल्हम्दुलिल्लाह टीएसए में F6 की अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो हमेशा ग्लोबल पास रेट अराउंड 50% पे रहता है, और टीएक्स का पास रेट अप्रोक्सीमेटली 75-80% से ज्यादा रहता है। सो नॉर्मली आई गेट द क्वेश्चन कि आप इस तरह से क्या करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं, इतने ज्यादा पासिंग रेशियो है। सो द लास्ट 10-15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। इन 10-15 डेज में क्या क्या काम करना है, प्लीज लिसन टू दिस अ शॉर्ट मैसेज वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। फर्स्ट, जो भी आपके पास सेक्शन बी वाले एरियाज हैं, देर आर 3 सेक्शन बी एरियाज, वैट, कैपिटल गेन्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इसके MCQs, MTQs और जो एग्जाम किट में CRQs गिवन है वो भी सॉल्व करने हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स डू आस्क मी सर CRQ करने हैं नहीं करने हैं, नहीं करने हैं CRQ भी ऑफ दीज टॉपिक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, आई होप आप लोगों की एग्जाम किट वुड बी अबाउट टू एंड, आइदर इट वुड बी एंड और अबाउट टू एंड। सो इफ नॉट अबाउट टू एंड, प्लीज पेस अप इन नेक्स्ट 1-2 डेज और उसको जरा एक कंप्लीशन की तरफ लेके। स्टडी हब के क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करने, देर इज नो सेकेंड थॉट ऑन दिस। देन इन पर्टिकुलर F6 जनरली लोगों का फर्स्ट पेपर भी होता है इन द फंडामेंटल स्किल्स मॉड्यूल। सो जिन लोगों का फर्स्ट एग्जाम है, दे नीड टू फेमिलराइज देमसेल्व्स विद द प्लेटफॉर्म एज वेल। सो टू फेमिलराइज विद द प्लेटफॉर्म, आई एडवाइस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 8-10 क्वेश्चन अवेलेबल है, पेपर्स अवेलेबल है। इन 8-10 पेपर्स में से एनी 4-5 पेपर्स को जस्ट सॉल्व करना है कंप्लीटली, एंड एंडिंग 4-5 पेपर्स को सॉल्व करना है कंसिडरिंग द टाइम फ्रेम, लाइक 3 आवर्स 15 मिनट्स, हैव टू कंप्लीट इन 3 आवर्स 15 मिनट्स, नॉट गो बियॉन्ड। आंसर्स को चेक करो, आज नए कॉन्सेप्ट के ऊपर एम्फेसाइज छोड़ दो, जो आते हैं उन्हीं के ऊपर एम्फेसाइज करो। जो चीजें एग्जाम किट में अगर कुछ नजर आता है कि सर ये क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं देखा, अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देन इट इज समथिंग विच नीड्स टू बी क्लेरिफाइड। बट इफ इट्स जस्ट वन ऑफ थिंग, लाइक पूरे एग्जाम किट में, पूरे स्टडी हब में एक क्वेश्चन ऐसा है जो किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कर रहा है, जो आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज इग्नोर इट। रेस्ट ऑफ द 99% वुड गोन इफेक्ट ड्यू टू दैट 1% एलिमेंट। सो फोकस ऑन योर 99%, 98% उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। जो वीक एरियाज है उसको ग्रिप करने के चक्कर में स्ट्रांग एरियाज को स्केप आउट नहीं करो। बाकी एट द एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह, टेक द प्रेयर्स ऑफ योर पेरेंट्स, यू कैन डू इट लाइक ऑल अदर पीपल्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।